नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सैनी और मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली। मैंने अपना एमसीएच किया एम्स से एंड एम्स में एज अ फैकल्टी काम किया और उसके बाद अब हम प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, और ये है किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी। तो गुर्दे की पथरी को किस वजह से होती है, इसमें क्या तकलीफ होती है, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या उसमें टेस्ट होते हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या भ्रांतियां हैं इसके बारे में, इस सब के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है। तो हमने देखा कि अमूमन जो है, जब ये मई और जून का महीना होता है, इस समय गुर्दे की पथरी के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा आने लगते हैं हमारे पास। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि गर्मी में पसीना अधिक होने की वजह से और पानी कम पीने की वजह से जो है यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, और कंसंट्रेशन जब वो यूरिन की हो जाती है तो उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, और जिस तरह से मिश्री बनती है उसी तरह से गुर्दे की पथरी बनती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं गर्मी में और सही से पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर किसी को पथरी नहीं बनी हुई है तो पथरी बनने के चांसेस हैं, और किसी को अगर गुर्दे की पथरी पहले से बनी हुई है तो वो पथरी बड़ी हो सकती है और उसके कारण उसको परेशानी हो सकती है। क्या परेशानियां होती हैं गुर्दे की पथरी में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुर्दे की पथरी अमूमन जो है वो पीठ में आपको दर्द होगा, पीठ में दर्द होने के बाद ये दर्द आगे की तरफ रेडिएट करता है और कभी कभी नीचे की तरफ जाता है। कभी कभी ये दर्द जो है दूसरी बीमारी में, जैसे कि पेन इन एब्डोमेन या अपेंडिसाइटिस की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके जो लक्षण हैं रोग के, उसके बारे में आप ठीक से डॉक्टर को बताएं कि कैसे शुरू हुआ और किस तरह से ये दर्द पहले कहाँ था और अब कहाँ है। इसके अलावा इस दर्द के साथ आपको मछली आना, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। आपको अगर ये पथरी बहुत दिनों से है और इसके कारण से अगर यूरिन रुका हुआ है या फिर गुर्दे में सूजन है, तो आपको बुखार भी आ सकता है। और कभी कभी ये दर्द इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि आपको अचानक ही जो है ये उठता है और आपको फिर जल्द ही इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और इस दर्द को हम मेडिकल भाषा में यूरेट्रिक कोली कहते हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है, इसके अलावा आपको यूरिन में कभी कभी खून भी आ सकता है, और अगर खून के साथ आपको जलन है या दर्द है तो ये गुर्दे में पथरी या इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। अगर गुर्दे की पथरी के अलावा पथरियाँ हमारे पेशाब की थैली में भी हो सकती हैं, और तब आपको यूरिन जल्दी जल्दी आना, यूरिन में खून आना और यूरिन को रोक ना पाना, जिसको अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ये अमूमन बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हमने आज बात की कि ये तो लक्षण होते हैं। अब इसमें कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें कि आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको बुखार है जो कि 100 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको बुखार के अलावा आपको जाड़ा लग रहा है, आपको कपकपी छूट रही है, आपको पेशाब में खून आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको जल्द से जल्द यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। गुर्दे की पथरी का जो बेहतर इलाज है वो यूरोलॉजिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपका मेडिकल इलाज भी कर सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सर्जिकल इलाज भी इसका करा जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी में क्या क्या इलाज होते हैं। पहले लोगों को लगता था कि गुर्दे की पथरी में बड़े बड़े इंसिजन, इतने बड़े बड़े इंसिजन लगाए जाते थे छोटी सी पथरी को निकालने के, लेकिन अब क्या है कि लेज़र के ज़रिए ये प्रक्रिया करी जाती है। आपको किसी भी तरह का चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और यूरिन के रास्ते से ही एक आधुनिक तरीके के उपकरण होते हैं जिनको कि फ्लेक्सिबल स्कोप्स कहा जाता है, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी। और ये स्कोप जो है हमारे गुर्दे में कहीं भी चला जाता है, और लेज़र के ज़रिए हम उस स्टोन को जो है डस्ट करके उसको निकाल देते हैं। ज़्यादातर पथरियाँ जो हैं, अगर 3 से 4 mm तक की पथरी है, तो वो आप पानी पीने से और मेडिकल ट्रीटमेंट से, उसको मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं, वो उससे ठीक हो जाती है। जो पथरियाँ या तो दर्द बहुत ज़्यादा कर रही हैं और असहनीय हो गया है दर्द, या फिर बड़ी हैं, 7-8 mm की पथरी है, 10 mm की पथरी है, तो ऐसी पथरियों में जो है वो मेडिकल थेरेपी ज़्यादातर फेल हो जाती है और फिर ये प्रॉब्लम्स करके आती है, और इसलिए इसका ही सर्जरी कराया जाता है। क्या क्या टेस्ट करने चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें एक तो है कि यूरिन के टेस्ट करने पड़ेंगे देखने के लिए कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। हमें किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए,
और एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए इसके बाद इन टेस्ट के साथ, या तो आप भाई पहले यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं वो आपको टेस्ट लिखे, या अगर आपके आसपास कोई यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो अगर कोई फिजिशियन को आप दिखा रहे हैं, तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमें कराने चाहिए अगर पथरी है तो। और इसके साथ फिर हमें आगे देखना है कि वो पथरी जो है हमारी ठीक हो रही है कि नहीं। पथरियों के साथ ऐसा नहीं है कि आप उसको टेस्ट करा के बैठ जाएं, क्योंकि जो गुर्दे की पथरी है वो अगर बहुत दिन तक सिम्टम्स नहीं करती है तो गुर्दे को ख़राब भी कर सकती है, और कभी कभी हमें गुर्दे को पूरा निकालना पड़ता है मात्र एक छोटी पथरी के कारण, जो कि कई सालों तक थी लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज किया। अब हम बात करेंगे सिंपली कि क्या मिथ्स हैं। तो मिथ्स के ऊपर बहुत है, कई सारे पेशेंट मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब बियर पीने से मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी पथरी निकल जाएगी, और हमने बियर पी और लेकिन नहीं निकल रही है। कुछ कहते हैं भाई निकल जाती है, तो बियर का जो एक वो है कि बियर पीने से पथरी नहीं निकलती है, बियर एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, तो वो आपके यूरिन को ज़्यादा बनाता है और इस वजह से आपको लगता है कि मेरा यूरिन प्रोडक्शन बढ़ गया इसलिए वो फ्लश आउट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि बियर में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण आपको आगे पथरी बनने की संभावनाएँ और बढ़ जाती हैं बनस्पत उसको कम होने के। तो ये पहला मिथ है जो मैं आज मतलब बस्ट करना चाहूँगा कि बियर पीने से पथरियाँ जो हैं वो कम नहीं होती, रादर वो बढ़ती हैं। दूसरा, लोग कहते हैं कि टमाटर खाने से जो है पथरियाँ बन जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जिसको पथरी होती है उसके डाइट से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जिससे कि थोड़ा स्वाद आता है वो ख़त्म कर दिया जाता है कि टमाटर भाई बंद कर दीजिए आप, तो ऐसा नहीं है। टमाटर से रादर पथरियाँ हमारी जो हैं कम बनती हैं। जो शोध हुआ है उसमें यही पाया गया कि जो टोमेटोज़ होते हैं दे आर प्रोटेक्टिव, तो ये हमें लाभ पहुंचाते हैं अगर हमको गुर्दे की पथरी है। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि बीज वाली जो सब्जियां खाने से जो हैं वो बीज जो हैं घुस जाते हैं आपके गुर्दे में और वो पथरी बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी ऐसी तरीका नहीं है जिससे कि जो बीज है वो गुर्दे में चला जाए। बीज जो है आपके मल के थ्रू जो वेस्ट है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, तो बीज वाले फल भी खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हरी पत्तियाँ सलाद खाने की आदत है तो वो हमें कम करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऑक्सलेट रिच जो खाना होता है वो लीफी वेजिटेबल्स में होता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक गिलास दूध पीना है, एक कटोरी दही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। कुछ लोग दूध पीना बंद कर देते हैं, दूध ना पीने से भी पथरी बनती है, क्योंकि जो कैल्शियम है दूध का और ऑक्सलेट जो हरी सब्जियों का है वो मिलके जो है हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। अगर दोनों में से एक की कमी है तो आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। तो ये बहुत कॉमन मिथ्स हैं जिनके बारे में हमने आज चर्चा करी। आपको प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पानी का सेवन ठीक करना है। कम से कम आप 10 से 12 ग्लासेस जो हैं पानी के वो पीजिए, और आपका यूरिन जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यूरिन बहुत गाढ़ा आ रहा है इसका मतलब है कि आप पानी कम पी रहे हैं। दूसरा है कि आपको ड्राई फ्रूट्स की जो सेवन है वो थोड़ा कम करना है। तीसरा, स्मोकिंग को बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग से किडनी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है और पथरी हो सकती है। अल्कोहल का सेवन भी कम करना है, और जब भी आप हरी सब्जियां खाते हैं तो उसके साथ आपको कैल्शियम लेना है इन फॉर्म ऑफ दूध या दही, कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लेनी है। तो गुर्दे की पथरी में हमने अभी आपको बताया था कि हम क्या करें जिससे कि ये आगे ना हो, और थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में बात की। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो गुर्दे की पथरी में जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि पथरी कहाँ पे है और उसका साइज़ क्या है और कितने स्टोन्स हैं। तो पहला है कि अगर ये आपको सिंगल स्टोन है और अगर ये 4 से 5 mm के करीब है, छोटा स्टोन है, तो ऐसे में हम मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी देते हैं, जिसमें कि दवाइयाँ होती हैं जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, और कुछ हम अल्कलाइज़र देते हैं जिससे कि ये पथरी जो है निकल जाए। एक बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है कि पथरी गल सकती है क्या और मुझे गलाने वाली जो है दवा चाहिए। ये बहुत सवाल जो है पेशेंट करते हैं कि क्या पथरी गल सकती है, टूट सकती है। तो इसके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है बताना कि पथरी गलती नहीं है। पथरी जो होती है वो एक तरह से स्टोन की तरह, स्टोन जैसे हमारा पत्थर होता है बाहर, तो ऐसा ही हड्डी जैसे मजबूत पथरी होती है, तो वो गलती नहीं है। वो सिर्फ रास्ते के थ्रू, अगर आपके रास्ते को खोला जाता है थोड़ा सा दवाइयों के ज़रिए, तो वो फ्लश आउट होती है, तो वो कभी टूट के गल के बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट के नहीं आती है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हमारे जैसे हमने बात की
तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे गुर्दे हैं और ये गुर्दे की नलकी है और ये हमारा मसाना है। तो अगर ये गुर्दे की नलकी में पथरी है जिसको कि यूरेट्रिक स्टोन कहा जाता है, ज़्यादातर जब गुर्दे से हमारा स्टोन यूरेटर में ड्रॉप करता है तभी हमें पेन होता है। तो ये हम यूरिन के रास्ते से इसको लेज़र के ज़रिए निकाल देते हैं, जिसको कि प्रक्रिया को URS कहते हैं। यही पथरी अगर गुर्दे के अंदर है तो दो प्रक्रिया होती हैं। अगर पथरी 2 सेंटीमीटर से छोटी है तो ये यूरिन के रास्ते RIRS के ज़रिए निकाली जाती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है तो हम गुर्दे के अंदर ही यहाँ से पंचर करते हैं, और पंचर करके PCNL एक प्रक्रिया होती है जिससे कि दूरबीन के ज़रिए गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है। इसमें लेज़र का प्रयोग होता है और ज़्यादातर केसेस में आप एक दिन में ही अपने रोग का निदान कर सकते हैं। आप एक दिन एडमिट होते हैं और नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी हो जाती है। तो हमने दो प्रक्रिया के बारे में बात करी, PCNL, URS, और जो लेटेस्ट है वो है RIRS। RIRS ये कि जो भी पथरी है वो हम बिना किसी इंसिजन के यूरिन के रास्ते से ही उसको निकालते हैं। तो ये हमने आज चर्चा करी कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे सवाल हैं पेशेंट्स के जो आ रहे हैं हमारे पास, तो अब उन सवालों के बारे में अब हम बात करेंगे और उसके बारे में हम आपको जवाब देंगे कि क्या क्या सवाल आ रहे हैं। सर, पहला सवाल यह है कि किडनी स्टोन्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं? तो किडनी स्टोन्स के लिए देखिए, जो कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन के साथ ब्लड भी आया है, यूरिन में अगर खून भी आ रहा है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन, NCCT, और वो करना चाहिए। कभी कभी जो हमने आज अभी बात करी, जो यूरेट्रिक स्टोन्स होते हैं जब वो गुर्दे से ड्रॉप कर जाते हैं यूरेट्रा के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड में उनके बारे में पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए CT स्कैन करना एक बेहतर टेस्ट रहता है, जिससे कि जो है 100% हम श्योर हो जाते हैं कि भाई ये पथरी है या ये पथरी नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि किडनी स्टोन डिटेक्ट होने के बाद अगर हम कुछ साल हमें पेन नहीं हो रहा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टोन है या चला गया? ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए, जो गुर्दे की पथरी है उसमें अगर आप पेन फ्री हो गए हैं तो पेन फ्री दो वजह से होता है। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो या तो ये है कि वो पथरी फ्लश आउट हो गई है, या ये है कि गुर्दा आपका थक गया है और अब वो उस पथरी को नहीं निकाल रहा है। तो गुर्दे की पथरी में पेन कभी पथरी की वजह से नहीं होता, ये गौर फरमाने वाली बात है कि पथरी की वजह से दर्द नहीं होता, रादर जब गुर्दा हमारे अपने यूरिन के प्रेशर से पथरी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसके जो बैक प्रेशर आता है, बैक प्रेशर की वजह से गुर्दे में सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग के कारण ही पेन होता है। इसीलिए वो पेन पहले पीछे पीठ में होता है और फिर नीचे जाता है। तो अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो या तो आपका गुर्दा अब थक गया है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पथरी है, पथरी होने के बाद अगर आप पेन फ्री हैं तो भी आप 2 से 3 महीने बाद दोबारा एक अल्ट्रासाउंड करके देखें कि भाई वो पथरी निकली है कि नहीं निकली है। नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप गुर्दे से भी हाथ धोना पड़ सकता है, कभी कभी गुर्दा पूरा खराब हो जाता है अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग पथरी कई सालों तक इसको नज़रअंदाज किया जाए तो। सर, कितने साइज का स्टोन अपने आप निकल सकता है और कितने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर्जिकल इंटरवेंशन की? तो देखिए, बेसिकली अगर 5 मिलीमीटर का स्टोन है तो उसके अपने आप निकलने की संभावना 60-70% है। ऐसे जो स्टोन है अगर 6-7 mm से ज़्यादा हो गया, 7 mm से ज़्यादा है तो उसकी संभावना 30% हो जाती है, और 7 mm से बड़ा स्टोन है अगर 8 mm है या उससे ऊपर है तो बेसिकली 10% है, और 1 सेंटीमीटर या 9 मिलीमीटर से ऊपर के जो स्टोन होते हैं उनकी संभावनाएं नहीं होती अपने आप निकलने की। तो अगर आपके स्टोन इस साइज़ के हैं तो बेहतर है कि आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते रहते हैं कई सालों तक, और हमारे पास तब पहुँचते हैं जब गुर्दा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। हमको कैसे पता लग सकता है कि किडनी स्टोन है? क्या हमें रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम डेंटल चेकअप कराते हैं वैसे ही किडनी का भी हमें चेकअप कराना चाहिए? क्योंकि कभी कभार दर्द नहीं होता और फिर एकदम से दर्द शुरू होता है तब पता लगता है, और जब दर्द नहीं हो रहा फिर कैसे पता चलेगा हमको कि?
देखिए, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसलिए अगर आपको कभी किडनी स्टोन्स हुए हैं या अगर आपकी फैमिली में किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है, तो इन दो केसेस में आपको एक साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी उम्र जो है 45 साल या 40 साल से ऊपर की उम्र है, आपके घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, तो 40 ईयर्स के बाद आपको साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इमेजिंग की वजह से ये फ़ायदा है कि जो बीमारियां हैं, जो और भी बीमारियां हैं गुर्दे की, गुर्दे के पथरी के अलावा, वो भी सही टाइम पे डिटेक्ट हो सकती हैं अगर हम टाइमली जो है टेस्ट कराते हैं। तो सर, किडनी स्टोन से प्रिवेंशन के लिए डाइट में हमें क्या लेना चाहिए? देखिए, डाइट के अंदर ये एक सवाल है कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए। तो डाइट जो है वो डिपेंड करती है, एक तो अगर आपके किस तरह के स्टोन्स बन रहे हैं। कुछ लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक होते हैं, तो उन पेशेंट्स को जो मांसाहारी खाना है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी आपको जो रेड मीट है, रेड मीट को बिल्कुल ही मना करना पड़ेगा, गोश्त नहीं खाना है। आप जो हैं चिकन या फिश की सर्विंग्स जो हैं, एक या दो सर्विंग पूरे हफ्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो डाइट के अंदर है वो ऑक्सीलेट रिच जो फूड्स हैं, स्पेशली जो हमारे फास्ट फूड्स हैं जिनके अंदर अधिक मात्रा में जो है नमक होता है, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। घर का बना हुआ आप खाना खा सकते हैं और पानी ठीक से लीजिए, तो यही इसकी डाइट है। और इसके अलावा कोई अलग से आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो स्टोन वाला पेशेंट है वो अपने घर में कोई उसके अलग से खाना बनेगा और बाकी लोगों का अलग से है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, पानी कितना पिए? देखिए, पानी जो है उसकी डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप फील्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको जो है करीबन 3 से 4 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे हैं। अगर आप ठंडी के एरिया में रह रहे हैं तो 2 लीटर के करीब पीना है। यूजुअली 12 ग्लासेस जो हैं, विच इज़ अराउंड 2.5 लीटर्स, 2.5 to 3 लीटर्स इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो कि एडिक्वेट है। और इसको मेजर कर सकते हैं अपने यूरिन के कलर के हिसाब से। अगर कलर आपका एकदम ट्रांसपेरेंट आ रहा है पानी की तरह, इसका मतलब यह है कि आप पानी का सेवन ठीक कर रहे हैं। आज हमने जो चर्चा की उसके बाद आपके सवाल भी आए, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। आप इसको शेयर करिए दोस्तों से, अपने घर में लोगों से जिनको परेशानी है उनसे भी शेयर कर सकते हैं। और सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, हम सही समय पर इलाज कराएं और सही जानकारी लें। आज हमारा अच्छा होगा तो कल बेहतर रहेगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।